ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज का विषय है महामाया यंत्र को कैसे बनाया जाए। महामाया यंत्र क्या है पहले वह समझ लेते हैं। महामाया यंत्र बड़ा ही चमत्कारी यंत्र है। इसको आप ताबीज में भी पिरो सकते हैं और उसको घर में भी रख सकते हैं। इसके आने से क्या क्या फायदा होता है, ये इसके जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है। महामाया का मतलब है कि जितना भी धन लाभ है आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा ही इसमें आपको धन लाभ मिलेगा। यदि आपने जैसा हम आपको बताएं उसी हिसाब से यदि आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आपके ऊपर धन लाभ इतना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है धन की वर्षा होगी वे आप सच में होते हुए देखेंगे। ऐसे ऐसी जगह से मार्ग खुलेंगे धन के कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, और वहां से पैसा आएगा जहां से रुका हुआ पैसा था वह भी आना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये देखना होगा अंत तक। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि हम आपको मैसेज करें, पर्सनली मैसेज करें आपको, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है उसको ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पे ग्रुप पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आपका नंबर आ जाएगा और अन्य कोई भी व्यक्ति आपका नंबर नहीं देख पाएगा। तो हम आपको शनिवार और रविवार को मैसेज करेंगे और आपकी जो भी समस्या है आप हमको पर्सनली पूछ सकते हैं और हम आपको निशुल्क उसका उत्तर देंगे और आपको उपाय बताएंगे। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको सीधा बताते हैं कि महामाया यंत्र कैसे करना है और इसको आप सिद्ध कैसे करेंगे ताकि आपके ऊपर धन की वर्षा हो और आपके सारे के सारे मार्ग खुलने लगे। और वीडियो आप अंत तक देखें, पूरा देखें, बीच में से भागना नहीं है आपको वीडियो के, ताकि आप समझ सकें। यदि आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो आप महत्वपूर्ण बातें छोड़ देंगे। तो काली कलम लें पहले आप और एक तिकोना बना दीजिएगा। तिकोना बनाने के बाद आप किसी भी दूसरी रंग की कलम से, जैसे हमने लाल कलम ली है, आप दूसरी कोई सा भी कलम ले सकते हैं, आप उल्टा तिकोना बना देंगे। लाल भी ले सकते हैं आप, नीला भी ले सकते हैं, जो सा आपको सही लगे आप ले सकते हैं। फिर आपको इसके बाद ये जो यंत्र है इसके बाई तरफ उल्टी तरफ आपको काली कलम से लिखना है क्लीन 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 क्लीन। ये आपको इस तरफ लिखना है काली कलम से और इस तरफ उस कलम से लिखेंगे जिसे आपने बनाया, जैसे कि लाल कलम लिए हमने दूसरी कलम क्लीन, लिखना क्लीन ही है। अब रही बात कि इसके बीच में क्या लिखना है और बाहर क्या लिखना है। ऊपर लिखना है आपको एन, नीचे भी लिखना है आपको एन। अब बीच में यदि आप खुद के लिए बना रहे हैं तो खुद का नाम लिखेंगे आप, देवदत्त के स्थान पर हम देवदत्त लिख रहे हैं, आप देवदत्त के स्थान पे अपना नाम लिखेंगे यदि आप खुद के लिए बना रहे हैं। यदि आप किसी परिवार में किसी और सदस्य के लिए बना रहे हैं तो उसका नाम लिख दीजिएगा। जब आप ये सब लिख लेंगे इसके बाद आपको काली कलम से एक बाहर की तरफ आपको एक गोला बना देना है। इसके बाद जब आप काली कलम से बना देंगे फिर दूसरी कलम जो भी आपने ली है उस पे उससे आप बनाएंगे गोला। ऐसे आपको बना देना है। इसके बाद आपको इस तरफ लाल से और इस तरफ काली कलम से लिखना है। पहले आपने काले से लिखा था, अब इधर आपको लाल से लिखना है।
अब आपको सिर्फ और सिर्फ हिरिन लिखना है, जितनी बार आप लिख सके लिख दीजिएगा, जितनी जगह मिल रही है हिरिन आपको लिखना है। और इस बात का ध्यान रखना है, ये जो आपने गोला बनाया है, जरूरी नहीं है पूरा कि सटीक गोला बने, क्योंकि आप हाथ से बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरा सटीक बनेगा। जैसा आप बना सकें वैसा ही बनाइए, और साफ सफाई का ख्याल रखना है आपको कि कागज जो भी आप लें वह गंदा ना हो, साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और इसी इसमें आप बना देंगे, और इस तरफ लाल लिखा था आपने पहले, तो अब आप लिखेंगे काले से। इस तरफ लिखना आपको हिरिन ही है। यदि आप गलती से कुछ गलत लिख दें तो आप उसको काट के सही नहीं करें, आपको पुनः दूसरे कागज पे दोबारे से बनाना चाहिए। कभी भी गलती मत करिए इसको बनाते हुए, पहले तभी कहते हैं अच्छे से समझ लीजिएगा। और जब आप सब कुछ सही सही बना देंगे, सब कुछ सही सही लिख देंगे, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करिएगा। यह यंत्र आपको शुक्रवार को बनाना है, किसी भी समय आप शुक्रवार को बना सकते हैं। इसको अभिमंत्रित कैसे करना है वह हम इसी वीडियो में बताएंगे, पहले आप देखते रहिएगा पूरा वीडियो। जितनी बार भी आप बीच लिख सकते हैं उतना लिखिएगा। अब आप देख चुके हैं कि ये यंत्र अब बन चुका है। इस यंत्र को आप अभिमंत्रित कैसे करेंगे, ये तो हमने बड़े कागज पे बनाया है। यदि आप ताबीज में पिरोना चाहते हैं तो आप इसको छोटे कागज पे बनाइएगा, मगर साफ सुथरा सुथरे से रखना है आपको। फिर आप इसको किसी ताबीज में डाल के पहन सकते हैं। मगर इसको अभिमंत्रित कैसे करेंगे, पहले उसके लिए आपको अभिमंत्रित करने के लिए आपको, जैसा हमने कहा कि देवदत्त के स्थान पे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, और उसके बाद आप ये जो मंत्र है जो हमने बाहर के गोले में लिखा है हिरिन, ये मंत्र आपको जपना है 5 माला रोज। और यदि आप ताबीज पहन लेंगे तो भी आपको जपना है मंदिर में बैठ के या किसी भी साफ सुथरी जगह पे। यदि आपके पास आपने ताबीज को नहीं पहनना है और आप चाहते हैं कि इसको घर में कहीं भी रखें साफ सुथरी जगह पे या फिर मंदिर में, तब आप इस देवदत्त की तरफ देख के, जहाँ पे आप मतलब कि जहाँ आपने अपना नाम लिखा है वहाँ पे देखते हुए, या जिस व्यक्ति के लिए नाम लिखा है वहाँ पे देखते हुए इस हिरिन मंत्र का जाप करना है। 5 मालाएं रोज जपनी है आपको, और फिर आप देखेंगे। और इसको जब भी आप माला जपें तब दीप जरूर जलाएं, चाहे किसी भी देसी घी का जलाना चाहे देसी घी का जलाएं, तेल से जलाना चाहे तेल से जलाएं, अग्नि जरूर जलनी चाहिए उसके आसपास, यानी कि दीप जरूर जलना चाहिए इसके आसपास। और यदि आप इसको मोड़ना चाहते हैं, आप पूरा नहीं रख सकते हैं, आपको लगता है कि कागज खराब हो जाएगा फट जाएगा, तो आप किसी पीले रंग के कपड़े के अंदर इसको मोड़ के रख सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यदि आप इसको बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं साफ सुथरी जगह पे घर पे, तो आप इसको रख दीजिएगा। आप खड़ा करके रखना चाहते हैं तो खड़ा करके रखिएगा, लेटा के रखना चाहते हैं लेटा के रखिएगा। यदि मोड़ना चाहते हैं तो आप पीले रंग के कपड़े के अंदर इसको रखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रोज 5 मालाएं जपेंगे तब तो आप देखेंगे 1 महीने के बाद आपको इसका असर इतना ज्यादा दिखने लगेगा, आप भी कहेंगे कि हाँ, जो भी कंगाली थी आपकी, जितना भी पैसा आप खो चुके थे और आपको चाहते थे कहीं से कहीं मार्ग खुले, तो वे मार्ग ऐसे खुलने लगेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपकी आमदनी बढ़ती जा रही है, और आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ रही है, और आपके पास अपार धन आना शुरू हो गया है। तभी इसका नाम महामाया यंत्र प्रयोग बताया गया है। आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल करिएगा। तो बंधु, ये उपाय आप करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य विषय पे भी वीडियो बनाए तो कमेंट में लिख के हमसे बताइएगा, और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछिएगा कमेंट में लिखकर। और टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
यहां तक वीडियो देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और उपाय बताते रहेंगे। यहां तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।